उसी को लेकर नवाबगंज से जो है पसियापुर से ये नगर कीर्तन निकला है जो बिलासपुर में होकर गुजरा है। इसके लिए जो है स्वागत जगह जगह स्वागत समारोह के लिए लोग खड़े हैं। हालांकि कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलक मेरे साथ इस समय मौजूद है। सर, किस तरीके का नगर कीर्तन जो निकाल कर ये संदेश दिया? ये जो नगर कीर्तन है हर साल और हर जगह पे धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे बिलासपुर में भी नवाबगंज से लेके बड़ा बिलासपुर और रुद्रपुर होते हुए फिर घूम के नवाबगंज एक हरगोबिंद सिंह साहब का बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, तो उसमें उसमें समापन होता है। और मैं इस पर्व पे गुरु गोबिंद सिंह जी के इस पर्व पे मैं जितने भी संगत जो इस नगर कीर्तन में जुड़ी हुई और जो किसी कारण नहीं जुड़ पाई, अपने अपने कामों में व्यस्त है, उनकी भी आस्था और उनका प्रेम गुरु साहब के प्रति होता है, तो नई बुजुर्गों को बहुत बहुत आज के पर्व पे लख लख बधाई देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही ये एक संदेश देने का काम होता है कि सही सही दिशा में जाना, लोगों की सेवा करना, कल्याण करना, ये सारा गुरुओं का जो दिया हुआ एक वक्तव्य है, एक आशीर्वाद है, उसको हम लोगों को मान के चलना चाहिए। और सारे समाज के लोग, किसी भी समाज के हो, सारे लोग इस नगर कीर्तन में शामिल होकर इस नगर कीर्तन की भव्य यात्रा को सफल बनाने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात कर लिए राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलक थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। आज ये सेवा भाव से नगर कीर्तन की जो है जो नगर कीर्तन है वो बिलासपुर में जो है पहुंच रहा है, क्योंकि नवाबगंज से शुरू हुआ था, उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है इंसानियत का संदेश देने के लिए नगर कीर्तन निकाला जाता है। प्रवेश अली के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।